शौलत जबी, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। लक्सर सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। खबरें विस्तार से। लक्सर थाना खानपुर क्षेत्र के मिर्जापुर सादात का एक युवक जो रेत का कार्य करता है, वहीं दूसरे गांव का एक युवक उस जगह पर आया और रेत डालने वाले युवक के ऊपर ताबड़तोड़ फावड़े से वार कर दिया और युवक को घायल कर दिया। गंभीर व्यवस्था में छोड़कर भाग निकला। इधर उधर से ग्रामीण इकट्ठे हुए और उन्होंने घायल युवक पोपन को उठाकर सरकारी अस्पताल पहुंचाया। वहीं इसकी सूचना परिजनों को दी गई है। परिजन भी मौके पर पहुंच गए हैं। बताया गया कि आरोपी युवक का नाम जोरा पुत्र धर्मपाल निवासी पहलादपुर बताया गया है। वहीं जब इस बाबत हमने डॉक्टर से मालूम किया तो डॉक्टर ने कहा कि घायल युवक आया है जिसके सर से ज्यादा खून बह रहा था, उसका ट्रीटमेंट कर आगे के लिए रेफर कर दिया है। वहीं घायल युवक ने बताया कि रेत डालने को लेकर पुरानी रंजिश रखता है, जिसको लेकर उसने ताबड़तोड़ अकेला देखते हुए हमला बोल दिया और अधमरा छोड़कर मौके से फरार हो गया तथा उसने किया है। वहीं आरोपी के खिलाफ परिजन तहरीर दे रहे हैं। परिजनों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी हरकत ना करें। बाइक परिजन मिर्जापुर सादात बाइक CAC डॉक्टर लक्सर। सर प्रहलादपुर में क्या मामला पेश आया, इसके बारे में जानकारी देंगे आप? ये जी रिश्ता गिरन का आता है, जो लड़का है मेरा, वो भी नाम है इसका, मेरा नाम रमेश है, मिर्जापुर सादात का रहने वाला है। तो इसके जाकर उन्होंने मतलब जाते सार इसको और 4-5 फावड़े मारे। कौन लोग थे वे मारने वाले? एक गुज्जर का लड़का था जी। कहाँ का? पुलादपुर। किस बात को लेकर मारा उसने? उसको रेता गिरा था जी, तो रेता के उसमें गिरा उसने मारा, रेते की पुरानी रंजिश को लेकर। सर क्या मामला है ये भाई जो चोटी रहा? मिर्जापुर से आया है कोई मरीज, घायल है गंभीर रूप से, इसके ब्लीडिंग हो रही थी काफ़ी, अभी इसको हमने इलाज किया है, इसके टाके वगैरह लगा दिए हैं, बाकी मेडिकल बना दिया इसको, अब देखते हैं आगे बन रहा है इसका, ठीक है अभी रेफर कर रहे हैं इसको।